जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको दिखने वाला है वार्षिक परीक्षा 2024 में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये क्वेश्चन पर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और आपको इन क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% पेपर अपना पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा खंड आता है जहाँ पर हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है बहुपद अंडर रूट 3 की घात है। क्या है? बहुपद अंडर रूट 3 की घात है। यहाँ पर ऑप्शंस 2, 0, 1, 1/2। तो बहुपद अंडर रूट 3 की घात क्या है? तो इसकी घात है 0। क्या है? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो सदैव आप लोग को पता होगा कि एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? वाई इक्वल टू जीरो। देख लीजिए जहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सी वाले में है यक्स कामा जीरो, यही होता है एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगे तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? यक्स कामा जीरो होंगे, जहाँ पर यक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या आपको छाटनी है। यहाँ पर ऑप्शन 22/7, पाई 0.69, 5√16। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या है? पाई है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि क्या है? 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय क्या हो जाएगा? पाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। क्या करनी है आपको? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या आपको छाटनी है। तो यहाँ पर √5, √1, √1+4/9 और डी है √2.5। तो यहाँ पर निम्नलिखित परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? √1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? √1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि जो एक होता है वो √1 से बाहर आ जाएगा। अगर √1 को हम लोग 1 लिख देंगे तो ये एक आपका परिमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, यदि व्यंजक एक्स प्लस ए बहुपद एक्स की घात 4 माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6a का एक गुणनखंड हो तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बराबर 0 होगा। क्या होगा? ए बराबर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बराबर 0। नेक्स्ट है किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं। क्या है? किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो किसी लंब वृत्तीय के कुल भाग कितने होते हैं? उसकी ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है 3 सिक्कों के एक उछाल में कुल निशेष स्थितियाँ होंगी, 6, 3, 8, 2। तो जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 2n होती है, यानी कि 2³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2³ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 8th वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 8th वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इंटू लंब, 3 आधार इंटू लंब, 1 आधार इंटू लंब। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। क्या होता है? आधार इंटू लंब। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू लंब। इसके बाद नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है तो बिंदु A, B, C निम्न में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब कोई 3 असंरेखित बिंदु होते हैं उनसे केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। क्या है?
केवल मात्र केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी, ये आपका सर्वांग सम का साइन होता है, सर्वांग सम त्रिभुज एल के एम, तो एल के एम की कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी भुजा की ए सी के बराबर होगी। यानी सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, इस त्रिभुज के कोण और भुजाएं जो है इस त्रिभुज के कोण और भुजाएं के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या है, ए सी पूछी गई, तो ए सी इसी के हिसाब से पहला अक्षर उठाएंगे एल हो जाएगा और लास्ट वाला एम, एल एम के बराबर होगी, ए सी किसके बराबर होगी, एल एम के बराबर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, एल एम क्या हो जाएगा, एल एम ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 2 की 3 की पावर 2x माइनस 1 होगी कि माइनस 1 का मान होगा। तो यहाँ पर आपको 3 की पावर 2x माइनस 1 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य बहुपद की घात है, तो आपको पता होना चाहिए शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात शून्य ही होती है, क्या होती है, शून्य ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा, शून्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है, तो यहाँ पर आपको सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर जो ए एस ए है वो सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन एक रैखिक बिंदुओं से होकर निम्न में से वृत्त खींचे जा सकते हैं, क्या है, तीन बिंदु हैं वो क्या है, अरैखिक, यानी कि एक रैखिक में, यानी कि एक रेखा में, तो उससे कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एक भी नहीं, क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा होगी। तो यानी भुजा निकालने क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल दिया हो उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो अंडर रूट हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा 10√2, क्या मिलेगा, 10√2 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यक्स की पावर माइनस के वन प्लस वाई की पावर माइनस के वन होल की पावर माइनस वन को हल करने पर मान होगा। तो हल करने पर मान क्या हो जाएगा, हल करने पर हमारा मान मिलेगा हमको एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या मिलेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए है इसको कट कर देंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगक्षम है, क्या है, सर्वांगक्षम है, तो त्रिभुज ई एफ डी हो तो ई डी बराबर है, तो ई डी बराबर आपको निकालना, ई के बराबर है पी और डी के बराबर है आर, यानी कि पी आर क्या हो जाएगा, ई डी के बराबर हो जाएगा पी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घनाकार संदूक की कोण लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कोर लिख लेंगे, कोर कितनी है, 2a सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a² क्या होता है, 6a² यानी भुजा का वर्ग करेंगे, तो 6 × a² करेंगे यानी कि 4a² आए, कितना हो जाएगा, 24a² क्या हो जाएगा, 24a² वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 24a² वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद इस संख्या 4√3 है, तो संख्या 4√3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, वाई इक्वल टू जीरो, क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद खंड बा आता है, जिसमें आपको किन्हीं आपको 5 खंडों को सॉल्व करना है, 2-2 नंबर के आपके सभी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए प्रॉपर, इनको आपको सॉल्व करना है, हम उनको सॉल्व नहीं कराने वाले हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में आपको कोई तीन खंडों को हल करना है। एक क्वेश्चन आपका चार नंबर का देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको गा घा करके चार क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चार में से आपको कोई तीन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन आपका चार नंबर का है। इस प्रकार 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे में आते हैं, तो किसी एक खंड को आपको हल करना है जिसके मिलेंगे आपको 8 नंबर। कितने मिलेंगे? 8 नंबर के हैं ये, आपको दो दिए गए, उनमें से आपको कोई एक यहाँ पर सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कोई एक खंड हल करना है और इसके आपको मिलेंगे 8 नंबर, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर हो जाता है क्लास 9th के मैथ का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आपकी जो भी फ्रेंड्स हो उनको उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।